हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम एक और केस स्टडी के बारे में बात करने जा रहे हैं। 13174 अगरतला श्यालदा कंचनजुंगा एक्सप्रेस, जिस गाड़ी का रियर कोलिजन आज एक फ्रेट ट्रेन के साथ हो गया है। आज हम इस एनिमेशन वीडियो से ये समझेंगे कि ऑटोमेटिक सिग्नल फेलियर की वजह से दो ट्रेनों के बीच रियर कोलिजन कैसे होता है। बात करें कंचनजुंगा एक्सप्रेस की, तो यह ट्रेन अगरतला से श्यालदा जा रही थी और न्यू जलपाईगुड़ी पर 7:52 AM ये अराइव होती है। 8:04 AM पर डिपार्ट होती है। अगला स्टेशन रंगापानी है, जहां पर एक मालगाड़ी खड़ी होती है। कंचनजुंगा एक्सप्रेस रंगापानी 8:27 AM आती है और 8:32 AM डिपार्ट हो जाती है। दस मिनट बाद उस मालगाड़ी को भी उस स्टेशन से डिपार्ट करवा दिया जाता है। ऑटोमेटिक सिग्नल होने की वजह से दोनों गाड़ियां आपस में कम समय और कम दूरी में चल रही थी। आगे कैसे एक सिग्नल फेलियर की वजह से मालगाड़ी पीछे से कंचनजुंगा को जाकर हिट कर देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।